तीन काल का गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्णन है जीवन में और ईश्वर का। हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल दीपू जविंदास लाइफ। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह का टाइम 6:30 बज रहा है, देखिए पूरा वेदर पूरा एकदम ठंडा है, अंधेरा अंधेरा है। अभी सुबह का सवेरा जो है वेलकम कर रहा है सबको, उठ जाओ जो भी अभी तक सोए होंगे। तो हम लोग तो रनिंग में बिजी हैं। अमित भाई मेरे साथ, मेरे फ्रेंड पुराना कलीग, हम दोनों में बहुत पहले से बहुत अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशन रहा है। सालों हम साथ में मार्केटिंग में बिजनेस किए हैं, तो अभी फ्रेंड हमारे पुराने फ्रेंड मिल गए हैं, तो हम अभी रनिंग करना चालू कर दिए हैं। सो अभी देखिए पूरा अंधेरा है मॉर्निंग का टाइम। चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को पता ही है, नीचे दिया हुआ लाल बटन जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहले पहुंच सके। चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। हम लोग रनिंग करते करते पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आके देखो कहाँ पे, रिलायंस गेट, रिलायंस कंपनी। काफी लोगों की ड्रीम्स होता है कि रिलायंस कंपनी जाके हम लोग देख के आए, गेट देख के आए कैसा है क्या है। मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये पूरा इंटीरियर है उसका, इनसाइड का व्यूज है, जो भी लाइट्स वगैरह दिख रहा है, टावर्स वगैरह वो सब। और यहाँ यहाँ पे एक गेट अपना गांव का गेट है, ये चिराग वालों ने बनाया, ऊपर में लाइन बैठाया है, लाइन गेट। यहाँ से थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा, ये गेट नंबर 4 रिलायंस के गेट नंबर 4 है। रनिंग कर करके हम लोग आके इधर पहुंचे तालाब के पास, और तालाब के पास हम लोग सोचे थोड़ा एक्सरसाइज किया जाए, जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज हम लोग स्कूल में करते थे बच्चे में, जब छोटे बचपन में हम स्कूल में एक सुबह का एक एक्सरसाइज होता था, पीट टीचर जो होते थे स्कूल में वो कराया करते थे, तो वो चीज हमें आज याद आया। चलो हम बचपन का चीज थोड़ा आज करेंगे, तो ये चीज जो है, जो चीज हमें बचपन में सिखाया जाता है ना, वो चीज आज याद आता है कि चलो ये चीज जरूरी था लाइफ में, तो कहीं हम बीच में रास्ता भटक गए थे, ऐसा कभी कभी दिमाग में आता है, लेकिन मॉर्निंग में ये सब चीज बहुत जरूरी होता है। चलिए हम लोग अभी थोड़ा एक्सरसाइज एक्टिविटी करने जा रहे हैं। गाइस ये एक्चुअली बचपन का एक्सरसाइज है, हम लोग स्कूल में सीखा करते थे, पीट टीचर पीट मास्टर जो हमारा होता था ऐसा ही करता था, कुछ ऐसा करने बोलेगा तो आदमी ऐसा करता था, तो ये चीज जो है आज याद आ रहा है। गाइज अभी चल रहा था घोड़ा दौड़ वाला एक्सरसाइज। देखिए ये अपना टाइगर जो है उधर नहा रहा है कैसे ठंडा पानी में, जबरदस्त एकदम तालाब का पानी है, तालाब का पानी। और अभी का जो टाइम है टेम्परेचर समथिंग, टेम्परेचर अभी 17-18 होगा ना, 15 होगा।
15-16 का टेम्परेचर है और पानी का टेम्परेचर तो आप लोग समझ सकते हो। तो बंदा का शौक देखो कितना ठंडा पानी में पानी घुसा घुसा कर नहा रहा है शरीर। देखिए रिलायंस की जॉब के लिए कितना डेडिकेशन है। तो अगर रिलायंस कंपनी में जो भी नौकरी करने का सोच रखते हैं कि उसमें कुछ बनना है तो एक डेडिकेशन होना चाहिए इंसान के अंदर। इतनी आसानी से कोई भी चीज मिलती नहीं है। तो बंदा अभी नौकरी के लिए उसको जाना है जल्दी जल्दी, उसके लिए आ गया नहाने के लिए तालाब में। तो ये उसका ये देखो कि कितना मतलब ठंडा पानी वो नहाने के लिए रेडी हो गया। आदमी तो मतलब पानी से एकदम ऐसा हाथ मार के निकल पड़ता है। चलिए देसी भाषा में पूरा गाली करता है और क्या करता है वो उसके पास प्रैंकर लगा देते हैं दोनों बंदे। हमारे जूस वाले भैया के पास आ गए हम लोग। चाय पी लूंगा। चलो भाई जूस बनाओ जबरदस्त तरीके से, कल की तरह बनाने का। कल का जो था ना मिक्स का जो क्वांटिटी था आप कैसे बनाया था पता नहीं, लेकिन टेस्ट अच्छा था। बढ़ा देंगे 100-100 लोग जूस पियेंगे। ठीक है जो काम करते हैं हम लोग उसमें क्वांटिटी बढ़ा देते हैं धीरे धीरे। अभी एक थे ना दो से पांच। सुबह सुबह अगर हम लोग जैसे केरला से कोई प्रोडक्ट लाते हैं आयुर्वेदिक का और यहाँ पे रखें एक घंटा एक्सरसाइज करें और चीजें रखें आयुर्वेद का एक दिन पकड़ लेगा सर्दी। हाँ रोज का थोड़ी ना पकड़ेगा। अरे सर्दी में फिर ना आओ दूसरा दिन, देखो साला सर्दी नहीं भागे तो। सो गाइस अभी हाथ में आ चुका है। सुबह सुबह जूस का चस्की लेने में इतना मजा आता है ना। वीडियो चालू हुआ है ये हुआ है ना नहीं किया है क्या? जाओ भर्ती का टाइम ज्यादा चला मत खाओ। सुबह सुबह में क्या दृश्य है। गाय को कुछ दे दो। ये आलू है इसको मुझे थोड़ा धो के ही गाय को देना पड़ेगा क्योंकि आलू में एक्चुअली क्या है मिट्टी लगा रहता है। थोड़ा धो लेंगे ना उसके पेट में मिट्टी तो नहीं जाएगा। गौ माता की सुबह सुबह कुछ खिलाना भी अच्छा रहता है। जाओ गाइस अभी और दो काम बचा है अभी वो भी करते हैं। देखते हैं अभी कहाँ गए वो लोग सब। मेरे छोटी छोटी क्यूट सा बेबी है बहुत सारा, उन लोग को भी आपसे आज मुलाकात करवाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। देखो 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 सब भाग क्या है। एक आवाज पे ही आ जाते हैं। अरे रे 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 पैर का नीचे आ गया। चलो सॉरी कितना है अभी 1, 2, 3, 4, 5 और एक किधर गया। दूसरा किधर गया? आया 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 उधर देखो जल्दी आ। इसका मदर ने 5 बच्चे। अरे रुको 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 भैया तुम लोग इतना उतावला क्यों है। खाओ 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 खाओ। खाओ 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 खाओ। झगड़ा नहीं करने का ठीक है। ये लोग का सुबह सुबह का रहता है ये। खा लो अच्छा से खा लो ठीक है। मैं पानी भी ला के देता हूँ। रुको पानी का डब्बा देखो। अब
अभी इन लोग के लिए इसमें मैं पानी लेके आता हूँ। आ गया पानी, लोग पानी भी पिएगा अभी। तो खा के पानी पी लो, जाओ। लास्ट काम बचा है, केज एकदम खाली, केज एकदम क्लीन है, खाली किया है क्योंकि नाइट में वो लोग भी उधर सोते हैं, आप लोग को पता है। अब थोड़ा रियो का सॉरी अपना प्रोटो का भी हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं है, देखते हैं अभी। देखो अंदर में और नीचे किस तरह उतावला है, उसको बाहर आने का, उसको अंदर में नहीं रहना है, उसको बाहर ही आना है। लेकिन मैंने उसको रात में ही उसके अंदर छोड़ता हूँ ताकि उसको थोड़ा जो अपना उड़न का भूसा रहता है उससे उन लोग को थोड़ा टेम्परेचर अच्छा मेंटेन हो जाता है, तो उन लोग का हेल्थ के लिए अच्छा, ठंडा वंडा नहीं लगेगा, उन लोग सर्दी उर्दी नहीं पकड़ेगा। पास में लेके आ गया केज और केज को थोड़ा ओपन करते हैं, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। अरे बाप रे, आ जाओ। चलो पहले लीची मीची, चलो खुल जाओ, ओहो डायरेक्ट चला गया अपने घर के अंदर। अभी इसके बारी, जाओ तू भी जाओ। ओहो प्रोटो का हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, और अपना प्रोटो देखो पूरा, उसको थोड़ा कुछ दिक्कत है तो। अरे रे रे, देखो देखो देखो, ये इसके ऊपर, ये दोनों ही इसके ऊपर ही आके बैठते हैं, इसीलिए उसको आज केज के अंदर नहीं डालना है, वो उसके अंदर रहेगा, उसको थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैं पार्ट टू में आप लोग को दिखाऊंगा। प्रोटो अभी दुनिया में नहीं रहा।